बड़ा है, तू बच्चा है लेकिन अंदर से बड़ा है, इसलिए पबजी खेलता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? जैसे हम बढ़िया हूँ तो मैं चुका वीडियो लेके गाइस आ चुका है मिलिट्री बेस में फिर से। और भाई देखो, प्लेन में तुमने देख ही लोगो भाई 200 IQ का प्रदर्शन, मतलब क्या ही बोल रहा था भाई वो बंदा, मेरे खुद समझ नहीं आई। मतलब मैंने कई बार सुन लिया उसे रिपीट करके, फिर भी मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई वो कहना क्या चाह रहा था यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे थोड़ी लूट वगैरह कर लेते हैं। मेरे को यहाँ पे UMP और S12K मिल चुकी थी और बीच वाली बिल्डिंग में सारे थे भाई फुटस्टेप्स अकड़े वाले और फायरिंग भी चल रही थी, तो भाई निपटाते बंदों को। तो ये भैया जी यहाँ पे भाग ही रहे थे भाई गन की तलाश में, और शायद इसको गन मिल चुकी थी, पीछे करके भाग रहा था, पता नहीं क्या सीन था। और हाँ, मिल चुकी थी, AK ले रखी थी बंदे ने। तो मैं पूरा खत्म कर देता हूँ भाई से, और इसकी AKM भी चुराएंगे क्योंकि भाई देखो AKM की बहुत जरूरत है यहाँ पे। और ये भैया जी आते हैं अपने बंदे का बदला लेने, लेकिन स्कैम हो जाता है भाई यहाँ पे इस बंदे का। कहे तुम देखना ये कौन सा नशा फूक कर बैठा था। भैया जी खिड़की में गोली चला रहा है भाई, मैं पीछे था यार तुम्हारे, तो मैं निपटाए तो गए जिसे भी। और यार अब कुछ और बंदों के फुटस्टेप्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो यार पहले थोड़ी लूट वगैरह कर लेते हैं फिर देखेंगे उन बंदों को। तो यहाँ पे एक बंदा भाई सामने की तरफ टीवी पे लेने लगा है, तो गाइस उसे भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइस मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के नीचे जाता हूँ जिससे कि वो बंदा आगे की तरफ आए और फिर निपटा देते हैं उसे। तो यहाँ पे एक बंदे को गाइस मैं नॉक कर देता हूँ और भाई जल्दी से नीचे कूदता हूँ क्योंकि गाइस यहाँ पे हेल्थ कम है। अगर वो बंदा मतलब झटके से एक भी गोली मार दे मेरे में तो मैं खत्म हूँ, भले ही मैं 4 गोली मार दूँ वो 4 में मरेगा, मतलब मैं 1 में मरूंगा, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती थी। तो थोड़ा मैं नीचे जाता हूँ, थोड़ा हेल्थ करते हैं और फिर निपटाते हैं बंदों को। तो इस बंदे को भी गाइस यहाँ पे निपटा देता हूँ, और अब लास्ट बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे हैं भाई, उसको भी देखना पड़ेगा अब। तुम कहाँ छुप रहे हो भैया, तुम ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे यहाँ पे। तो गाइस इस वाली स्क्वाड वाइप में बजाए तो भाई लाइक ठोक जल्दी से, गाइस सब्सक्राइब भी मार दो भाई, 1 मिलियन अपने बस होने वाले हैं। मतलब तुम्हारे 2-3 अकाउंट 4 अकाउंट जितने भी हो ना भाई, सबसे सब्सक्राइब मार दो। वैसे मुझे पता है भाई बहुत सारे लोगों ने ऐसा कर रखा है, तो भाई थैंक यू सो मच गाइस। और यहाँ पे कैसे हम आ जाते हैं पोचिंग की में, और भाई तुम्हें पता हो भाई पोचिंग के बंदे न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता भैया। मतलब होल्ड ड्रॉप के टाइम भले ही ना मिले, लेकिन बाद में आते हैं ना तो भाई 90% मिल ही जाते हैं यहाँ पे। तो एक बंदे को मैं कुचल देता हूँ मजे में, और यहाँ पे कुछ बंदे भैया कैंप भी कर रहे थे ब्रोकन वॉल के पीछे, तो उन्हें भी निपटाना पड़ेगा। तो इस बंदे को मैं यहाँ पे नोक करता हूँ भाई, इसका दोस्त पूरे गुस्से में था यहाँ पे। मतलब बंदा हेलो हेलो बोल रहा है और दूसरा बंदा भैया मारने लग रहा है, तो इन स्कैम से भैया हम वाकिफ हैं भाई, अब नहीं फंसेंगे तुम्हारे जाल में, तो निपटा देते हैं भाई इन दोनों बंदों को भी। और गाइस अब चलते हैं रोजोक की तरफ, यहाँ मैं कार चेंज कर लेता हूँ। और भाई रोजोक भी पोचिंग की बनती जा रही है, मतलब यार रोजोक में भी मतलब बंदे मिल ही जाते हैं भाई, मतलब ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि रोजोक में बंदे ना मिले। और यहाँ पे भैया फाइटिंग भी चलने लगी थी, तो भाई चेक तो करना बनता है। और अपार्टमेंट स्कूल में छान के आया था भाई, वहाँ तो कोई था नहीं, तो इसलिए रोजोक में आना पड़ता है। और अब फायरिंग भी चल चुका है, तो भाई इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, तो भाई निपटाते हैं। यहाँ पे गाइस इनके 2 बंदों को मैं नोक कर देता हूँ, एक को तो पूरा फिनिश कर देते हैं, और एक बंदे के फुटस्टेप्स मेरे को आए कि वो ब्रोकन वॉल के पीछे जाके बैठ चुका है। और भाई मेरे को नहीं पता कभी भैया सांप वाप बन के बैठा हूँ वहाँ पे, और मैं जैसे जाऊँ मेरे को मार दे, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, रिलोड वगैरह करके आराम से जाएंगे एंगल बदल के। तो यहाँ पे गाइस मैं थोड़ी देर ऐसे भटकता हूँ कि भाई कुछ मतलब साइन आए, कुछ फुटस्टेप्स आए, कुछ तो आए मतलब। तो यहाँ पे बंदे भैया फायरिंग करते हैं, जो कि बोट स्कैम की श्रेणी में आती है वाली फायरिंग, तो मेरे को पता चल चुका था भैया इस वाले घर में अब बंदे। पहाड़ से एक बंदा थर्ड पार्टी मारने के मजे में था पूरा, और भाई बस बचे हैं वहाँ पे क्योंकि भाई पीछे से अगर वो लेट वेट के स्प्रे मार देते ना सिंगल टैप की जगह, खत्म था भाई मैं। और यहाँ पे भैया इसकी प्यारी सी टपली दिख रही थी, तो उसको मैं निपटा देता हूँ। पहले तो मैं सोचता हूँ भाई नेड़ फेंक दूँ, लेकिन जब बंदा ही दिख जाता भाई पूरा का पूरा, तो AWM किस काम आएगी भाई, निपटाते हैं। नहीं तो भाई तुम कमेंट में फिर क्या होगा भाई, AWM क्यों रख रखे, चलाते तो है नहीं तू। तो यहाँ पे गाइस थोड़ी सी हीलिंग वगैरह कर लेंगे और फिर देखेंगे और बंदों को, क्योंकि भाई यहाँ पे थर्ड पार्टी का शिकार हो सकते हैं, तो थोड़ा मतलब हेल्थ ज्यादा होगी तो फायदा मिलेगा। और यहाँ पे गाइस मैं हीलिंग कर ही रहा था भाई, इतने में एक गाड़ी की साउंड हो रहा था कि भैया वो रश मार रही है हमारे ऊपर, तो मैंने सोचा एक दो बंदा होगा कोई मतलब देख ही आएगी, लेकिन भाई पूरी की पूरी स्क्वाड थी यहाँ पे, तो भाई इन्हें भी निपटाना पड़ेगा। पीछे थर्ड पार्टी वाले बंदे भी हैं, ये भी बंदे हैं, और भाई सामने जो बंदे हैं वो भी बंदे हैं, तो यहाँ पे 3-3 स्क्वाड से लड़ाई हो रही है गाइस एक साथ, तो बस देखते जाओ भाई कैसे निपटाते हैं। और
और वो पहाड़ वाले बंदे भाई क्या ही मार रहे हैं, मतलब जैसे मैं बाहर जाता हूँ भाई मेरे को ही मार रहे हैं और किसी को कुछ नहीं कह रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे सामने इस बंदे को खत्म कर देते हैं। और भाई इस बंदे पे क्या ही बीत रही होगी गाइस, मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ कि ये क्या सोच रहा है इस टाइम बने में। और इस बंदे को बड़े प्यार से श्रद्धांजलि दे के मारेंगे तो दिक्कत की कोई बात नहीं है भाई। और थोड़ी लूट भी चुरा लेंगे क्योंकि भाई थोड़ी जरूरत थी, मतलब लूट वगैरह की थोड़ी कर लेते हैं, क्या जा रहा है ना। तो यार मेरे को एक स्कोर पर रश मारना ही पड़ता है क्योंकि यहाँ पे गाइस और कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर तीन तीन स्कोर के बीच में फंस जाता ना मैं तो भाई गलती हो जाती। तो जल्दी से भाई जितने बंदे हो सके उन्हें खत्म कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और भैया जी क्या ही सरप्राइज दिया भाई इन्होंने। तो गाइस इस वाली स्कोर को भी मैं खत्म कर देता हूँ। और एक बंदा यार उस वाली स्कोर का बच रहा है जो कि गाड़ी में आए थे, तो उनको भी देखना पड़ेगा। और पहाड़ पे जो बंदे भाई उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। और गाइस बस देखना यहाँ पे क्या ही स्कैम होता है मेरे साथ। मैं यहाँ पे पहले तो लूट वगैरह कर लेता हूँ अपनी आराम से, मतलब हीलिंग वगैरह लूट सब कर लेंगे हम यहाँ पे। और अब मैं देखता हूँ भाई पहाड़ वाले बंदों की तरफ जो कि मेरे को दिख भी चुके थे, शायद रश मारने के प्लान में थे बंदे। तो एक को मैं बॉडी शॉट देता हूँ जिसके कारण भैया वो डर जाता है बहुत बुरी तरह और वापस भागने लगता है। लेकिन फिर से एक दे देते हैं बॉडी शॉट और निपटा देते हैं बंदे को और पूरा फिनिश भी मार देंगे भाई। और यहाँ पे भाई AWM रिलोड में जा चुकी थी, मुझे लगा भाई अब पीछे जाके रिवाइव हो जाएगा, लेकिन मार देते हैं भाई कैसे भी करके इस बंदे को। तो गाइस जब मैं सोचता हूँ भाई खिड़की से कूदेंगे और बंदों को देखेंगे जो गाड़ी वाला बंदा बचा होगा या फिर जो भी करेंगे, मतलब आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन स्कैम यहाँ पे मैं समझ चुका था भैया, बहुत गंदा स्कैम हुआ है मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं जंप लगाता हूँ लेकिन कुछ होता ही नहीं है, तो मैं पहले ही समझ चुका था मतलब क्या होने वाला है। और फिर भैया मैसेज भी आ जाता है पबजी वाले, मतलब मैसेज देते हैं लग सके लो भाई तुम्हारा स्कैम हो चुका है तकड़े वाला, अब ओके दबाओ या फिर कैंसिल दबाओ। ठीक है तो यहाँ मैं ओके दबाता हूँ, कुछ नहीं होता। फिर दो तीन मिनट बाद भाई मेरा नेट आता है, छो मैं मरा नहीं था यहाँ पे। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट मारता हूँ क्योंकि मुझे लगा था भाई गेम तो गया यहाँ पे बीच में, मतलब पर भाई भगवान की दुआ से नेट वापस आया था। तो भाई प्रक्रिया शुरू करते हैं जो बची कुछ थी अपनी। और इस घर में एक बंदा कैंप मारा था तो उसे निपटाते पहले। तो भैया पहाड़ पे चल रही है बहुत तगड़ी वाली फाइटिंग, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी मेरे को मारनी पड़ेगी क्योंकि वो बंदे भैया पहले थर्ड पार्टी मार रहे थे, अब मेरी बारी है थर्ड पार्टी मारने की। तो एक बंदा तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा था जो कि लूट रहा था बावलों की तरह से, उसको निपटाते हैं। और यहाँ पे गाइस क्या मिस हुआ, मतलब शॉट यार उसके मतलब बॉडी पे लगना था भाई, मतलब कैसे ही मिस हो गया। तो मैं M249 से मारने की कोशिश करता हूँ, उसकी बहुत कम हेल्थ होगी यहाँ पे, लेकिन वो रिवाइव हो जाएगा शायद से। और उसका दूसरा बंदा भी मेरे को दिखता है जिसको मैं सोचता हूँ AWM से मार दूँ, लेकिन फिर गायब हो चुका था। तो यहाँ पे गाइस और कोई चारा नहीं था मेरे भाई, रश्मि मारना पड़ता है यहाँ पे। वैसे मैं इतने वहां तक पहुंचूंगा मेरे किल चोरी हो चुके होंगे तो कुछ फायदा नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी चलते हैं। और ये बंदा गाड़ी फोड़ने के फुल मूड में था, तो भाई देखो इसको तो निपटाना ही पड़ेगा कुछ भी करके। और इस बंदे को गाइस मैं खत्म कर देता हूँ यहाँ पे। और मजे में सोच रहा था भाई अब लूट वूट करेंगे, लेकिन पीछे से क्या स्प्रे आता है भाई, क्या ही डोज मारता हूँ मैं उसकी बुलेट्स। तो यहाँ पे जल्दी से गाइस स्मोक कर दूंगा क्योंकि मेरे को नहीं पता भैया कोई कहीं और से ना देख रहा हूँ कि मैं अब मजे में लेट के हील करूँ और भाई पड़ने लगे गोलियां। तो यहाँ पे थोड़ा स्मोक कर लेते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे गाइस मैं सोचता हूँ भाई स्कूल वालों पे रश मार देता हूँ क्योंकि वो फायरिंग कर रहे थे, तो भाई उनको निपटाना बनता है यहाँ पे। भले ही जोन बन चुकी थी भाई, इनको तो निपटाना ही था, लेकिन बंदा पीछे कैंप कर रहा था और भाई स्प्रे देता है गंदे वाला। और फिर फुटस्टेप्स आते हैं कि भैया रश मार रहा है, तो मैंने सोचा भाई पहले खत्म ही कर देते हैं जब भी देखी जाएगी हेल्थ वेल्थ। तो अब करेंगे गाइस अपनी हेल्थ वगैरह और फिर निकलेंगे जोन में। तो यहाँ पे गाइस थोड़ी देर में यहाँ पे स्कोर हाउस में रुकता हूँ, फिर जोन भी आ चुकी थी और ड्रॉप भी थी सामने, और सामने भैया फायरिंग भी हो रही थी तो उसका मतलब बनते हैं वहाँ पे। तो भाई जाके हम भी रश मार देते हैं। और बंदा मेरे को दिख भी चुका था भैया जो सामने आ रहा था, तो यहाँ से थोड़ा सा कट लेंगे क्योंकि मेरे को नहीं पता भैया पुलिस स्क्वाड लेके बैठा हो दिक्कत हो जाएगी तगड़े वाली। और भैया स्प्रे देता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को टाइम मिल जाता है और मैं थोड़ा मतलब अंदर आ जाता हूँ घर के। और अब बंदे भैया रश मार रहे हैं तो भाई निपटाते हैं इन्हें।
वहीं कर देते हैं खत्म। तो गाइस आज की वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब मारो जो मैंने दे। और हाँ गाइस, तुम्हारा भाई इंस्टाग्राम पे भी क्लिप्स डालता है तो भाई इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो जल्दी से। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।